हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। साथियों, आप सभी लोगों का जो है एनटीए के द्वारा सीबीटी पीजी का आंसर की जारी कर दिया गया है, और आंसर की जारी होने के बाद अब आप लोगों के मन में एक ही चिंता जो है काफ़ी ज़्यादा बार बार सता रही है कि मेरा कहीं पर एडमिशन होगा कि नहीं, मेरा किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा कि नहीं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते कि इस बार सीबीटी पीजी का कट ऑफ जाएगा लो, क्या है महत्वपूर्ण कारण। काफी ज्यादा छानबीन करने के बाद, काफी ज्यादा सोचने और विचार करने के बाद, काफी डेटा को इकट्ठा करने के बाद मैं यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बना रहा हूं। तो अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे बच्चों जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सीबीटी पीजी से संबंधित सारी छोटी बड़ी जानकारी जो है हमारे द्वारा आपको ऐसे ही हमेशा दी जाती है। अब की बार सबको मिलेगा टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन, लो एंड हाई मार्क्स स्टूडेंट्स जो है इन बातों का रखें विशेष ख्याल। भाई क्या कारण है, आखिर मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? बहुत सारे लोगों को लगेगा इस वीडियो के देखने के बाद कि नहीं सर जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को जो है देखने के बाद, इकट्ठा करने के बाद यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बना रहा हूं। क्योंकि आप लोग तो काफ़ी दिनों से हमसे मांग कर रहे थे कि सर कट ऑफ लो जाना चाहिए, लेकिन भाई लो क्यों जाना चाहिए, इस महत्वपूर्ण कारण को हम लोग जानेंगे, और साथ ही टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में किस प्रकार से आपको एडमिशन मिलेगा इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सीबीटी पीजी 2024 कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण कारण जो है हमने लिख रखा है, समय से पहले एग्ज़ाम। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कारण है आपका समय से पहले एग्ज़ाम, यानी कि पिछले बार जो है सीबीटी पीजी का एग्ज़ाम जून में हुआ था और इस बार मार्च में हो गया, यानी कि अप्रैल मई जून लगभग 3 महीने पहले आपका सीबीटी पीजी का एग्ज़ाम हो गया है। अब कहिएगा कि पहले एग्ज़ाम होने का क्या मतलब है, क्या पहले एग्ज़ाम होने से कट ऑफ लो चला जाएगा? बिल्कुल लो चला जाएगा। कैसे? क्योंकि जो भी बच्चे सीबीटी पीजी या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वह आखिरी के 3 महीनों में अपनी जो अच्छी वाली पढ़ाई करनी होती है वह पढ़ाई करते हैं। लेकिन इस बार जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, कोई भी बच्चा 100% तैयारी के साथ जो है ना 100% तैयारी के साथ एग्ज़ाम देने नहीं गया था, क्योंकि बच्चों का भी मन था कि एग्ज़ाम का डेट जो है एक्सटेंड हो, आगे बढ़े, उनकी भी तैयारी जो है अच्छी तरह से हो जाए। लेकिन एनटीए जो है इस बात को स्वीकार नहीं किया और अपने निर्धारित समय पर या 3 महीना पहले इस बार पीजी का एग्ज़ाम करा लिया है। अब पीजी का एग्ज़ाम कराने का कारण क्या है, यहाँ पर देखते हैं कि एग्ज़ाम के लिए तैयार न होना, यानी कि कोई भी बच्चा अभी एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं था। भाई अभी आपने तो अक्टूबर तक 2023 का ही एडमिशन लिया, अक्टूबर नवंबर तक, दिसंबर जनवरी फरवरी आप फॉर्म जो है रिलीज करके दिसंबर के बाद जनवरी में, और आप मार्च में जो है एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो टाइम बिल्कुल नहीं मिला तैयारी करने का, ठीक है ना। तो कोई भी बच्चा एग्ज़ाम के लिए अभी तैयार था ही नहीं। हम लोग भी इतने सालों से सारी चीज़ों को देख रहे हैं, बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, देश के लगभग हर एक स्टेट के बच्चों से जो है हम लोग जुड़े हुए हैं, लगभग सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों से जुड़े हुए हैं। तो मेरे पास जितने भी बच्चे आए उन सभी लोगों ने कहा कि सर अभी तैयारी हमारी पूरी नहीं हुई है, कुछ कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं, वो एमए के बच्चे हों या फिर एमएससी के बच्चे हों, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम के लिए कोई भी बच्चा तैयार नहीं था। आगे देखते हैं कि सेम एग्ज़ाम और अन्य चीज़ें, यानी कि साथ ही सेमेस्टर एग्ज़ाम भी चलता है। अभी आप लोगों ने सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है अपना दिया होगा, तो अगर आप सीबीटी पीजी का एग्ज़ाम दिए हैं मार्च में तो उससे पहले आपने सेमेस्टर एग्ज़ाम दिया होगा। तो अब आप सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे या फिर सीबीटी पीजी की तैयारी करेंगे, तो इन दोनों चीज़ों को मैनेज करने में ना जो बच्चे हैं तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए, ठीक। तो अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई तो पेपर भी अच्छा नहीं जाएगा। और इस बार मैं अगर आप लोगों को बता दूं, जितने लोगों को ऐसा लगता है कि पेपर इजी आया था तो बिल्कुल ऐसा नहीं था, ठीक है ना, पेपर इजी बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, अपवाद हर एक जगह होते हैं, 300 में से कुछ कुछ बच्चों के मार्क्स 260 आए हैं, 240 आए हैं, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि कट ऑफ 240 जाएगा, इस बात को कभी स्वीकार मत करिएगा। कट ऑफ 240 उसी सब्जेक्ट का जाएगा जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है पिछले साल की तुलना में, या फिर उसमें बच्चों की संख्या जो है पिछले साल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा रही हो, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं कि एग्ज़ाम अच्छा न जाना। हम बात किए एग्ज़ाम के बाद, हम लोग सेंटर पर भी गए, अलग अलग
बच्चों से बातचीत किया गया, साथ ही गूगल फॉर्म वगैरह के भी माध्यम से सारी चीज़ें इकट्ठा करी गई। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि 100% बच्चों में से 100% बच्चों में से जो है ना, सिर्फ और सिर्फ 30% ही ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर एग्ज़ाम थोड़ा ठीक गया है, थोड़ा ठीक गया है, अच्छा नहीं गया है, थोड़ा ठीक गया है। बाकी जितने भी बच्चे थे उनका कहना था कि सर और मेहनत की ज़रूरत थी, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। इसके बाद पैटर्न में बदलाव, आप सभी लोगों को पता है कि इस बार CVET PG के पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है, यानी कि JNU BHU DU HCU BBAU पौंडीचेरी PU CUSB CUH या जितने भी अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं इतनों का अभी नाम आप लोगों के सामने लिख दे रहा हूँ। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि JNU जो है डोमेन, यानी कि डोमेन का मतलब होता है कि आपके 75 क्वेश्चन जो कि आपके सब्जेक्ट से होते थे उन्हीं के आधार पे आपका कट ऑफ लिस्ट तैयार करता था, 2022 में किया 2023 में किया। तो 300 में से जो बच्चे 190 लाते थे, जो बच्चे 160 लाते थे, डिप्रेशन पॉइंट वगैरह मिलके अगर उनका 190 होता था तो उनको जो है JNU में आराम से एडमिशन मिल रहा था। लेकिन इस बार 300 में से JNU के लिए भी कट ऑफ बनना है, BHU के लिए भी बनना है, DU के लिए भी बनना है, SCU के लिए भी बनना है, BBAU के लिए भी बनना है, पौंडीचेरी के लिए भी, CUSB के लिए भी है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के लिए भी, यानी कि 300 ही मार्क्स सारी चीज़ें आपकी निर्धारित करने वाला है। अब बताइए 300 में से कोई कह दे कि MA पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ JNU के लिए 260 जाएगी तो ये तो भाई सरासर गलत है, क्योंकि 260 तो पिछली बार भी नहीं गया था, यानी कि पिछली बार भी JNU में जिन बच्चों के 210 मार्क्स थे, 202 मार्क्स थे सी कैटेगरी वाले बच्चों का, मेरे जानकारी में उनका एडमिशन हुआ है 300 में से। तो इस बार जो है 260 कैसे जा सकता है, पेपर लगभग सेम था, पेपर में कोई बदलाव नहीं था। MA हिस्ट्री की भी यही चीज़ें हैं, या MSc केमिस्ट्री फिजिक्स लाइफ साइंस वगैरह में भी यही चीज़ें हैं, यानी कि जो कट ऑफ पिछली बार गया था वही कट ऑफ इस बार भी जाने वाला है, और हो सकता है कि उससे भी कम कट ऑफ जाए, क्योंकि आपकी तैयारी अभी अच्छे से नहीं हो पाई थी। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि परेशान नहीं होना है, अगर आपके कम नंबर भी है ना, 140 नंबर भी है ना, तो आप ज़रूर से जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराइएगा टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। थोड़ा सा पैसा लगेगा, लेकिन पैसे की वजह से पीछे मत भागिएगा, वरना आप बाद में पछताएंगे कि काश मैं रजिस्ट्रेशन करा लिया होता तो मेरा आज एडमिशन DU BHU SCU या फिर CUSB या फिर BBAU में हो जाता, ठीक है ना। अगर आपके 100 मार्क्स भी हैं तब भी आप CUSB BBAU DU BHU JNU वगैरह में ज़रूर से रजिस्ट्रेशन कराइएगा, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन कराना मत भूलिएगा आप सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद पैटर्न में बदलाव हुआ है, पैटर्न के बाद छात्रों की संख्या, यानी कि जितनी छात्रों की संख्या पिछली बार थी वही छात्र जो है इस बार भी लगभग रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि लगभग सब्जेक्ट में उतने ही छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है, आप लोग अगर देखेंगे आंकड़ा उठाकर तो आपको देखने को मिल जाएगा। अब करते हैं बात हमारा विश्लेषण, यानी कि हम कहां तक पहुंचे हैं इन सारी चीज़ों को देखने के बाद। तो मैं अगर टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लूं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ का मतलब होता है JNU DU BHU हैदराबाद पौंडीचेरी BBAU वगैरह में, तो या फिर सागर यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो अगर आपके 120 नंबर हैं ना तब भी इन टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का मौका मिल सकता है, यानी कि 300 में से अगर आपका 120 है तब भी आप यहां पर पढ़ने का सपना देख सकते हैं, और आपका सपना जो है वह साकार हो सकता है। लगभग मेरे पास जो है ना अब तक गूगल फॉर्म के माध्यम से 4,500 बच्चों का आंकड़ा जो है आया हुआ है अलग अलग सब्जेक्ट का, तो उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ ज़्यादातर बच्चे जो है ना, अगर मैं 200+ वालों की बात करूँ तो 200+ में ज़्यादातर बच्चे जो हैं, अगर 100% में 200+ जो है ना वह मात्र 5 से 7% बच्चे हैं। कितने हैं भाई, 5 से 7% बच्चे हैं जिनके मार्क्स 200 से ज़्यादा आए हैं, बाकी जितने भी बच्चे हैं ठीक है ना, ज़्यादातर बच्चे जो हैं 150 से 200 के बीच वाले हैं, और इसके बाद ज़्यादा संख्या 100 से 150 की है, ठीक है ना, 100 से 150 की,
इसको आप लोग जरूर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्क्स जो है ना बहुत कम कम आए हुए हैं बच्चों के, तो इस बार कट ऑफ जो है कम जाना ही जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। छात्रों से प्राप्त जानकारी आप लोगों के माध्यम से भी हम काफ़ी चीज़ें जो है इकट्ठा किए, मैं कमेंट बॉक्स को देखते रहता हूँ, वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे जो हैं सर मेरे 40 मार्क्स आए हैं, मेरे 160 आए हैं, मेरे 171 आए हैं, मेरे 130 आए हैं, मेरे 120 आए हैं, तो इस तरह के मार्क्स जो है आप लोगों के आए हुए हैं। देखिए कट ऑफ अगर आप सोचिएगा कि अब मुझे 120 नंबर पे JNU में एडमिशन मिल जाए पॉलिटिकल साइंस में, तो इतना भी संभव नहीं है, लेकिन अगर आप 200 नंबर लाए हैं 190 नंबर लाए हैं तो आप JNU का पूरा पूरा उम्मीद कर सकते हैं और पूरा पूरा चांस जो है आपका वहां पर बन सकता है। एक अलग वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कौन कौन सी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन ज़रूर से करना चाहिए, यानी कि अगर आपके 100 नंबर हैं तब भी करना चाहिए, आपके 200 नंबर हैं तब भी करना चाहिए, तो उस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा कि अगर आप अपने लिस्ट में 6 से 7 यूनिवर्सिटी रखते हैं ना, 6 से ज़्यादा अगर नहीं भी रखते हैं ना, तो आपको उन 6 में से कोई एक में खूब आराम से एडमिशन मिलेगा कम मार्क्स पे भी। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कैसे रखनी होगी इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे दूंगा, तो ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें रही हैं, ठीक है ना। इस बार कट ऑफ कम जाना है, इसको लेकर बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है, अलग अलग सब्जेक्ट की कट ऑफ जो है हम अपलोड करते रहते हैं, आप जो है अगर अपने सब्जेक्ट का कट ऑफ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर इस सब्जेक्ट का कट ऑफ बताइए, तो मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 साल के आंकड़ों के आधार पर मैं इस बार का विश्लेषण आप लोगों के लिए अच्छे से कर पाऊँ और आप सभी लोगों को बता सकूँ कि आपके सब्जेक्ट की कट ऑफ जो है इस बार कितनी जाने वाली है। लेकिन इतना जानकर चलिए पिछले साल के मुकाबले इस बार की कट ऑफ बहुत ही कम रहेगी। जो लोग आपको डरा रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे लोग हैं कि नहीं, कोई पूछा कितना नंबर आया, सर 160 आया, नहीं होगा तुम्हारा क्योंकि BHU का तो कट ऑफ 240 जाना है, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहिए, ठीक है ना। 160 अगर आपका आ रहा है तो आप BHU की पूरी पूरी उम्मीद कर सकते हैं। पिछली बार BHU में 50% से कम नंबर वाले बच्चों का एडमिशन हुआ है, यानी कि जिनका 400 में से 180 नंबर था उनको भी मेन कैंपस में पढ़ने का सौभाग्य मिला है, जिनका 160 नंबर था उनका भी 160 या 130 था, 120 था, उनको भी BHU के एफिलेटेड कॉलेज में पढ़ने का सौभाग्य मिला है। तो क्या अगर आपका 300 में से 160 150 है तो आपको नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इसलिए आप जो है ना बिल्कुल किसी के बहकावे में मत आइए, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कट ऑफ बिल्कुल सटीक और विश्लेषण बता रहा है, सही चीज़ें दिखा रहा है, तो उनको ज़रूर से फॉलो कीजिए, लेकिन जो आपको डरा रहा है उनसे बच के रहिए बच्चों, क्योंकि आखिरी समय में जो है ना आपके धैर्य की परीक्षा ली जाती है, और अगर आप धैर्यवान बने रहें तो आप विजयी ज़रूर होंगे, आपको एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है ज़रूर से मिलेगा। बाकी अगर यह जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।